अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बीर परदेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ जी उमरे के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 4 सालों के बाद अल्लाह पाक ने अपने घर में बुलाया। तो यार, मैं घर से निकलते हुए वीडियो बना नहीं सका, उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी जल्दी में था और मतलब लेट हुआ था। तो अभी आया हूँ सीको में, यहाँ पर मैंने पढ़ी है असर की नमाज और अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ जी उमरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी असर की नमाज़ पढ़ी है, ये मैं मस्जिद में खड़ा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। आज जुमरात का दिन है और गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से मैंने कहा चलो आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ। व्लॉग बनाना था मैंने घर से निकलते हुए, लेकिन नहीं बना सका कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अभी आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें और मैं भी आप लोगों को सबको दुआओं में याद रखूँगा। मेरी हमेशा से यही दुआ है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश होकर रहें, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ बांटेंगे, शर्फ अता फरमाए। तो रास्ते की जितनी भी मोमेंट होंगी सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इन भाई से जी मैंने हराम लिया है 35 रियाल का, तो भाई भी माशाल्लाह काफ़ी खुश है। मैंने कहा थोड़ा डिस्काउंट कर दो, लेकिन कहते हैं नहीं यार इसमें कोई मार्जिन नहीं होता। 35 रियाल का यहाँ से ले लिया, मैंने सुना है यार आगे काफ़ी महंगे होते हैं हराम, तो मैंने भाई से 35 रियाल का आराम लिया है। और जो इस बस पे जा रहा हूँ ये जो मकसद है ये अलबरका वालों का, अलबरका वालों का, ये यहाँ पे नंबर भी शो हो रहे हैं जी। अगर किसी भाई ने यहाँ से फ़ोन करके टिकट बुक करवाना है या कुछ भी उम्रे के लिए जाना है या कहीं भी, तो ये नंबर है इनका। तमाम सीको में ये मस्जिद है, मैं बता देता हूँ आपको, ये मस्जिद यहाँ पर इनका सामने, ये मस्जिद देखें जी, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ इस तरफ से। यहाँ पे सामने शहरी प्लाजा भी है, ये इस तरफ ये मस्जिद है, ये चीज़। और यहाँ पे इस तरफ अलशफा हॉस्पिटल है और शहरी प्लाजा है, उसके सामने ये अलबरका वालों का है जी। ये उस तरफ से नंबर शो हो रहे थे, मैं फिर आपको नंबर यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। ये देखें, ये 0563499808 0509090705 यहाँ का नंबर है जी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब मैं चलता हूँ जी, आपको बताता हूँ कि हमारी बस, ये बस है जी, बस के दरवाजे ने मैं बंद कर दिए है, और मैं अभी जाके बैठ गया बस में। ये बहरीन नंबर है इसका, सब कोशिश करता हूँ कि ऊपर जाऊँ क्योंकि दरवाज़ा इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया। दरवाजे बंद हो गए जी बस के, कोशिश करता हूँ मैं खोलूँ यहाँ से दरवाज़ा। नहीं जी कोई आएगा तो देखते हैं जी कैसे खुलेगा, लेकिन दरवाज़ा बस का बंद है, अभी चलना नहीं है इसने, अभी वेटिंग पे है, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग सीको से निकल गए हैं जी माशाल्लाह, हमारे पास उनके ड्राइवर भी पाकिस्तानी भाई हैं, और ये अभी सीको का व्यू आपको बता रहा हूँ जी, अभी भी सीको से निकले हैं। तो ये सारा सीको का इलाका गलत है, ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आगे वाली सीट भी मिली है जिनके साथ पता चल भी मारेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको छोटी से छोटी मोमेंट बताऊं। निकले हुए 1.5 घंटा हो गया है, सूरज अभी तुलू हो रहा है तकरीबन हमारा। साजी कितना सफर तय हुआ है? 70 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया है, और अभी सूरज ग्रुप हो गया है, मतलब मगरब हमें यहाँ पे हो गई है 70 किलोमीटर पे। यहाँ
पे ये बोर्ड आ रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आगे ट्राला आ गया। ये जी नहीं जी नज़र आ गया, ये देख लें आप हमारा मक्का आ गया है जी 1189 किलोमीटर 180, यानी 1180 कर लो आप। फ्रेंड्स ये हमारा पहला स्टे है, यहाँ पे हमें 1 घंटे का टाइम मिला है जिसमें हमने मगरब की और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़नी है क्योंकि सफ़र में है। उसके बाद यहाँ से हमने खानी है रोटी। होटल में बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं। मैंने तो रोटी होटल से खानी नहीं है क्योंकि लवली भाई ने मुझे ब्रोस्ट और साइलेट दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मुझे सुबह तक खाते खाते भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब हमने पढ़नी है यहाँ से नमाज, आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लिप में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रियाज आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था जी 4 बजे, अभी देखें 9:41 हो रहे हैं, हमारी पोजीशन ज़बरदस्त जा रही है। और रियाज की ये लंबी लंबी बिल्डिंग ही मैं ले आया हूँ यहाँ पे क्योंकि हम बाहर की रोड से जा रहे थे और यहाँ पे बस यही सीन जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दिया। एक गज़ल है आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर सही सुनाता हूँ तो। इंज ना रोला पा वे कामा, मर गए सारे जा वे कामा, साडा कोई नहीं जे आने वाला, एवें सर ना खा वे कामा, चूरी छूरी खा पी लै तू, फड़ लै अपना राह वे कामा, जिगर ते अगे ही फट पड़े ने, एवें आस ना ला वे कामा, जे किसी ने वाकई आना है छेती नाल बुला वे कामा, इजराइल सराने खलिया रह गए थोड़े सा वे कामा। यहाँ पर हमें बस वालों ने रोका है जी हराम लेने के लिए, और जिन्होंने कुछ भी लेना है यहाँ से वो यहाँ से भी हैं, बेल्ट भी हैं, चप्पल भी हैं, जैसे मैंने ये चप्पल ली नहीं थी तो अभी ले ली क्योंकि वहाँ पे तो चप्पल तो बल्दिया वाले उठा के ले जाते हैं। मिकात तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ये पीछे छोटा सा मत्ता टाइप है या कुछ जहाँ से राम वगैरह की शॉप है राम वगैरह, तो बस वाला बुला रहे चलते हैं बस। फाइनली हम मैकात में पहुंच गए जी, टाइम हुआ जाता है 7:15 का, हमारी गाड़ी लेट है जी, रास्ते में हम लेट हो गए तो हम अभी इस टाइम मैकात में हैं। ये आपको मैकात का व्यू दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये सब देखें जी हराम बांध रहे हैं, कुछ भी बांधने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये मैकात मस्जिद का व्यू है जी, यहाँ पर ये सब लोग हराम बांधने के लिए जा रहे हैं जी कुछ, और कुछ ने बांध लिया है तो यहाँ से बांधते हैं जी हम भी हराम, और उसके बाद पढ़ते हैं नफल, और उसके बाद यहाँ पे बस वालों ने हमें 40 मिनट का टाइम दिया है माशाल्लाह। ये जी कुछ हराम बांधने के बाद नफल पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कुछ वहाँ से नफल पढ़ के आ रहे हैं। ये देखें जी अल्लाह पाक जिनको अपने घर में बुलाता है कितने खुश नसीब होते हैं जी वो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी उम्रा का नफल अदा कर लिया है, अभी हमने जाना है उम्रा करने के लिए, और रस्ते में इंशाल्लाह यही विर्द रहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत वल मुल्क ला शरीक लक। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, आपको हरम पाक का भी व्यू दूँगा यहाँ पे जहाँ पे मस्जिद में हूँ जी, जहाँ पे नफल अदा की है लोग ये नफल अदा कर रहे हैं, शॉर्ट करते हैं। Oh.
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हम लोग खैरोफियत से 9:30 बजे मक्का शरीफ में पहुंच गए। तो जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो मेरे कज़न ने रूम लिया हुआ था, तो रूम में अभी सामान वगैरह रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ जी उमरा करने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट देते चलें कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से पहुँच गए और अभी जाना है जी इस तरफ हरम शरीफ है, वो आप देख रहे हैं, जाके करते हैं जी उमरा। आप लोगों को भी इंशाल्लाह व्यू दूँगा मक्का शरीफ का, हरम का। तो वीडियो के साथ जी के जिन्होंने हराम बांधा हुआ है वो नीचे की तरफ कह रहे हैं इस तरफ जाएं, और जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो ये देखें जी, इन बुज़ुर्गों को उमरा, बस उमरा ये नहीं, उमरे वाले सिर्फ नीचे जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएं। जिन्होंने तवाफ़ करना है या आज जुमा है, अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक है, तो जिन्होंने जुमा पढ़ना है वो मतलब ऊपर जाएं। तो यहाँ पे ये देखें अभी सब हराम वाले जा रहे हैं, अदरवाइज़ वो रोक रहे हैं इनको कि यहाँ पे उम्रे वाले तवाफ़ वाले उस तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मस्जिद हराम में एंटर समझो हो गए हैं जी,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, आपको साथ साथ मैं अपडेट देता रहूँगा, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। दिल की धड़कने थाम लें, हम हरम में इंटर हो गए हैं इंशाल्लाह। अभी मतलब कुछ मुसाफिर के बाद हमारे सामने खाना काबा हो, तो काफ़ी खुशी का मुकाम है यार मेरे लिए। तो 4 साल के बाद अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाया, तो मैं तो कहता हूँ मैं खुशी से तो झूम उठाऊँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको व्यू देता हूँ। لك والمل لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمل
अगर आपने पहला उमरा किया है तो आपने टिल लाजमी करवानी है, यानी सिर को आपने क्लीन लाजमी करवाना है। अगर आप दूसरा या तीसरा या मेरी तरह कई उमरे कर चुके हैं तो फिर आप कैंची भी लगवा सकते हैं। वैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने टिंड करवाई थी, सिर मंडवाया था, उनके लिए 3 बार दुआ की है, और जिन्होंने वैसे ही कैंची लगवा ली है, बाल को कट लगाया है, उनके लिए 1 बार दुआ की है। तो ये ज़रूरी मालूमात मैंने समझा आप तक फराम कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैंने खैरोफियत से उमरा कम्प्लीट किया है। तो यार मैंने टिंड नहीं करवाई, बेसिकली बाल छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था कैंची लेके, उसको मैंने कहा यार मेरे भी थोड़े कट लगा दो, क्योंकि मैंने पहले उमरे किए हैं, इस वजह से मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले उमरे पे ज़रूरी होता है कि आप सर को क्लीन कराएं, यानी कि टिंड करवानी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ उसके बाद थोड़े से बाल भी काट दें तो चलता है। तो अभी जा रहा हूँ जी, यहाँ पर रूम लिया हुआ है, वहाँ पर जाके चेंज करना है, क्योंकि हरम में एंटर हुआ था माशाल्लाह 10 बजे, और फिर जुमा मुबारक पड़ा है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि बिल्कुल मक्का खाना कपड़ा के बिल्कुल सामने खड़े होके। और अभी जी वीडियो का अख्ताम करते हैं, जाता हूँ रूम में, वहाँ से चेंज करके फिर नाश्ता मश्ता करते हैं। ना नाश्ता किया और ना दिन की रोटी खाई है, और टाइम हुआ चाहता है जी दिन 2 बजे। तो फ्रेंड्स ये मान अल्लाह रूम में याद रखिएगा यार, अभी मैं इधर ही हूँ, इंशाल्लाह और भी उम्रे करेंगे और तवाफ भी करेंगे, इधर ही हूँ, हरम में ही हूँ, दो में याद रखिएगा। ओके फिर मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।